हाय एवरीवन दोस्तों, इतिहास का स्वर्ण काल यानी कि गुप्त काल, गुप्त काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को देखा जा रहा था। तो दोस्तों, इसमें हम लोग ने श्री गुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का जो दोस्तों बेटा था समुद्रगुप्त, अब इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो चलिए समुद्रगुप्त के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त काल का जो राजा बना था वो था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त कोई और नहीं चंद्रगुप्त प्रथम का ही बेटा था। ठीक है, तो दोस्तों इसका शासन काल कब से कब रहा? तो इसका शासन काल 335 से 375 ईस्वी तक इन्होंने राजगद्दी को संभाला, यानी कि गुप्त काल का जो राजा बना रहा ये समुद्रगुप्त 335 से 375 तक। ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था यानी कि उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। अच्छा एक बताओ, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था यानी कि विष्णु को मानने वाला था। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है समुद्रगुप्त से रिलेटेड। इसका दरबारी कवि यानी कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, इसके दरबार में रहने वाला जो कवि था वो था हरिसेन। ये बहुत ही पॉपुलर नाम है, आप अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो दोस्तों इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आया होगा, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, लेकिन ये किसने कहा था? तो ये बी ए स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बी ए स्मिथ ने कहा था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र है यानी कि बेटा है। ये समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक है और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, लेकिन ये कहा था किसने? तो बी ए स्मिथ ने। समुद्रगुप्त से रिलेटेड अगला पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके काल में दोस्तों जो सिक्का चला था उस पे बीना बजाते हुए एक मूर्ति दर्शाया गया है यानी कि दिखाया गया था। ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि किसके शासन काल में सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया या फिर दर्शाया गया? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। दोस्तों ये बीना बजाते हुए सिक्कों पे दिखाया गया था, इससे अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी थे। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है समुद्रगुप्त से रिलेटेड। ये गुप्त काल को मैं बारीकी से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। पहला राजा श्रीगुप्त था और उसके सेकंड राजा घटोत्कच, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम थे, इसके बाद फिर राजा बना समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा अगला आएगा? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त काल का अगला राजा बना था चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसका शासन काल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक इन्होंने राज किया, राजगद्दी को संभाला। दोस्तों ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना यानी कि समुद्रगुप्त का ये पुत्र था और इन्होंने ही राजगद्दी को संभाला। देखिए इसे याद कैसे रखिएगा, समुद्रगुप्त जो होता है दोस्तों इनका पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम, और इनका पुत्र का नाम भी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त दोनों में आता है, लेकिन सिर्फ इनका ये पिता प्रथम हो गए या बेटा द्वितीय हो गए, ये अपने पिता के नाम पे ही अपना बेटा का भी नाम रखा, बस अंतर सिर्फ द्वितीय बना दिया है। तो समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और समुद्रगुप्त का बेटा पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो चंद्रगुप्त का द्वितीय का शासनकाल 375 से 414 ईस्वी तक था, और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी यानी कि गुप्त काल का राजा कौन बना था समुद्रगुप्त के बाद? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों इनके शासनकाल में शकों ने आक्रमण किया था, लेकिन शकों ने जब आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय हो गया, यानी कि इन्होंने युद्ध में शकों को हरा कर इन्होंने युद्ध को जीत लिया।
जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। अपने शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए और तथा विक्रमादित्य के नाम की उपाधि भी धारण कर लिए। इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए और तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किए। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, विक्रमादित्य और शक विजेता इसलिए क्योंकि इन्होंने शक को हरा दिया था और इन्होंने जीत की प्राप्ति की थी, तो इसलिए शक विजेता भी इन्हें कहा जाने लगा। इन्हें देवगुप्त, विक्रमादित्य और शक विजेता भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, हम लोग बार बार जो पढ़ रहे हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं, तो इसके ही काल को स्वर्णिम काल कहा गया है। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के आधार पर स्वर्ण काल चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल को स्वर्णिम काल कहा गया है, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाने लगा। ठीक है, स्वर्णिम काल इसी के काल को कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कालिदास। कालिदास एक संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध एक महान कवि थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के कवि कौन थे, तो दोस्तों आंसर होगा कालिदास। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कालिदास संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध दरबारी कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें मैं जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन बनते हैं और दोस्तों एग्जाम में इसी पॉइंट से आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैं जितना भी दोस्तों भी जो भी बेकार पॉइंट था मैं उसे छाट कर अच्छे अच्छे पॉइंट जिसे क्वेश्चन बनते हैं मैं उसे ही सिर्फ आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगला पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के बारे में। इसे आप सिर्फ एक बार देख लीजिए, आपको याद नहीं रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन थे? 12 मिहिर, ये नाम आप बहुत बार सुने होंगे, अमर सिंह, कालिदास, बेताल भट्ट, इसका बाद फिर था घट करपर। ठीक है, घट करपर, इसके बाद छपनक, वार रुचि और अंतिम में धनवंतरी। धनवंती के बारे में आप बहुत बार नाम सुने होंगे, कालिदास के बारे में सुने होंगे और बारह मिहिर के बारे में बहुत बार सुने होंगे। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, इसे आप देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है धनवंतरी। ठीक है, धनवंती कौन थे? तो ये एक आयुर्वेद के महान चिकित्सक माने जाते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। धनवंतरी जो थे आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। ठीक है, आयुर्वेदिक के थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा जो मैं पॉइंट को घेर रहा हूँ, आयुर्वेदिक थे। और दोस्तों चीनी यात्री, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, चीनी यात्री जो दोस्तों फैयान थे ये भारत कब आए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में फैयान यानी कि चीनी यात्री भारत आया था, इस पॉइंट को देखिएगा। और दोस्तों एक बात मैं शुरू में पढ़ाया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चांदी का सिक्का चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो दोस्तों चांदी का सिक्का जब शकों पे उन्होंने विजय की प्राप्ति की थी उनके उपलक्ष में ही चांदी का सिक्का चलवाए थे और चांदी का सिक्का का नाम यहाँ रखा गया था रुपयक। इसे सीधे आप ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चांदी के सिक्के थे उसे बोला जाता था रुपया।